बीते 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात हुई है और तीन जगह बादल फटे हैं और बादल फटने की वजह से भारी तबाही मची है। इस वक्त हम मंडी जिले में हैं, ब्यास नदी के किनारे हैं और देखिए किस तरीके से ब्यास नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है और पानी उफान पर है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो मंडी जिले में बादल फटा और इस बादल फटने की वजह से करीब 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं, एक शख्स की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान शिमला जिले में हुआ है जहां रामपुर में एक बादल फटने की घटना सामने आई है। इस घटना में करीब 37 लोग लापता हैं, एक शख्स की मौत हो चुकी है। इसके साथ साथ कुल्लू जिले में भी बादल फटा है। कुल्लू जिले में बादल फटने की वजह से पार्वती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया जिसके चलते मलाना डैम के जो गेट हैं वो खोलने पड़े हैं और पार्वती नदी जो कि ब्यास नदी में आकर इसी नदी में जिसको आप देख रहे हैं इसमें आकर मिलती है और उसकी वजह से इस ब्यास नदी का भी जलस्तर काफी बढ़ गया है। पंडो डैम के भी गेट खोले गए हैं, दो पुलों को भी कुल्लू में नुकसान हुआ है और पानी के रास्ते में जो आया वो सब कुछ बहाकर अपने साथ ले गया है। कई घर कई दुकानें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने एडवाइजरी जारी करके गैर जरूरी जो यात्राएं हैं लोगों से अपील की है कि वो यात्राएं ना करें, नदी नालों से दूर रहें, नदी में उतरकर उसको क्रॉस करने की कोशिश ना करें। पूरे हिमाचल प्रदेश में 52 लोग अभी भी लापता हैं, उनकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तमाम जो NDRF है SDRF की जो टीमें हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है, यहाँ तक कि वायुसेना को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी घटनास्थल का दौरा कर रहे हैं। अगले 36 घंटे भी भारी बारिश की हिमाचल प्रदेश में संभावना है, इसलिए लोगों को सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है। मंडी से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत।